नमस्कार, मैं प्रिया तायल, आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान 27 महीनों के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर जेल से बाहर आए हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ जेल से आने के बाद अपने शहर में अपने लोगों के बीच पहली ईद मनाई थी। ईद पर कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद उन्हें संबोधित करते हुए आजम खान का दर्द झलक गया। इस दौरान उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया। आजम खान ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि उनकी तारीफ की और कहा कि सपा विधायक ने मौजूदा बीजेपी कार्यशैली पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आजम खान ने कहा कि आज राजनीति में मर्यादा खत्म हो चुकी है और संस्थाएं दम तोड़ चुकी हैं। उनका जायज या नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है। सपा नेता आजम खान ने मंच से बोलते हुए कहा कि जो जीता वही सिकंदर, एक वोट से हारा या 1 लाख वोट से हारा। अटल बिहारी वाजपेयी वजीर आजम थे, वह देश के बहुत अच्छे आदमी और प्रधानमंत्री थे। इनसे कोई इसमें कोई दोहराय नहीं है। बहुत बड़े डेमोक्रेटिक थे। गुजरात के दंगों के बाद उन्होंने अपना इंटरनेशनल दौरा रद्द कर दिया था। ये कहा था कि मैं क्या शक्ल लेकर दुनिया के सामने जाऊंगा। आजम खान ने कहा कि आज सरकारी संस्थाएं दम तोड़ रही हैं, उनका जायज और नाजायज इस्तेमाल हो रहा है। ये कानून बनाए हुए कांग्रेस के हैं, कानून कांग्रेस ने बनाए लेकिन उनमें हमियत नहीं थी, लेकिन इन्हें बनाए कानून बाद में मुल्क चलाने वाले लोगों को मिले तो उन्होंने इनका इस्तेमाल विपक्ष की रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश की और शायद तोड़ भी दी। इसके साथ ही सपा नेता ने कहा कि जहां तक हमसे आपका साथ दिया जाएगा, हम आपका साथ देंगे। हमसे इतनी घृणा है और आप जानते हैं हम शराबी की दुकान लूटने वाले हैं। अपनी बीबी और बेटे के साथ गले से 16,900 रुपए लूटने वाले हैं। जिन सरकारों का ये स्तर हो जाए तो आपको ये सोचना चाहिए कि हम सब रिटायर पर हैं। कोई साहब इस गलतफहमी में ना रहे, जिनका कारोबार है कब ईडी वाले उनके यहाँ पहुंच जाए कोई नहीं जानता। आपको बता दें कि आजम खान का परिवार ईडी के शिकंजे में फंसा हुआ है। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी से ईडी की पूछताछ चल रही है। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी पत्नी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ नेशन के साथ।